हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने नाम में आग कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इस तरीके से बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, फोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको आएंगे यहाँ पर फाइल पर। फाइल पर आने के बाद यहाँ से हम लेंगे न्यू पेज लेना है आपको, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रीसेट साइज पर। प्रीसेट साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको करना है 1024x768 इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ओके करना है। आपको यहाँ से फॉरग्राउंड को वाइट रखना है, तो हम यहाँ से वाइट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। इतना करने के बाद सबसे पहले हम कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो हमारा ये बैकग्राउंड जो होता है ब्लैक हो जाएगा। इतना होने के बाद सबसे यहाँ से हम लेयर को ऑन कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए हमारा आ गया। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट पे हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप लेंगे और इस पर यहाँ से इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि हमें यहाँ पे आपको सेम बनाना है तो सेम बना दीजिए, नहीं तो नामों में यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर एम, यहाँ लिखते हैं MVS, तो MVS के नाम से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे इस पर टिक कर देंगे। इतना नाम टाइप करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद इस टूल को क्या करना है आपको, कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है। कंट्रोल टी बटन प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से साइज को बड़ा कर लेना है। यहाँ पर साइज रखने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम इस वाले लेयर पर जो नाम का लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद यहाँ से कर देंगे ओके। तो हमारा इस तरीके से जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे आई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको आई पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद इस पर यहाँ से हम नीचे वाले लेयर पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला लेयर ये कॉपी वाला छोड़ देंगे, तो यहाँ से हम नीचे वाले लेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आएंगे इमेज पर। इमेज पर आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आना है रोटेट कैनवास पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 90 डिग्री पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आना है यहाँ से फिल्टर में। फिल्टर में आने के बाद यहाँ से आपको स्टाइलिश पर आना है और यहाँ पे वाइंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फ्रॉम द लेफ्ट का आइकन, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से कीबोर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। कंट्रोल एफ करना है आपको 4 टाइम। इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से आएंगे इमेज पर। इमेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, रोटेट पर आना है। रोटेट पर आने के बाद यहाँ से आपको फिर से इस पर आपको नीचे वाले क्लिक कर देना ऑप्शन पर। नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से आइएगा फिल्टर पर। फिल्टर पर आने के बाद यहाँ से लिक्विफाई पर क्लिक करिएगा। लिक्विफाई पर क्लिक करने के बाद इसको सॉरी एक बार हम इसको कैंसिल करते हैं, इस प्रकार से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट लेंगे। इसका शॉर्टकट क्यों होता है, कंट्रोल जे। तो हम यहाँ से डुप्लीकेट लेने के बाद इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से, और इसको क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कॉपी वाला है इसमें हम यहाँ से मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हम इस पर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है, तो हम यहाँ से कंट्रोल ई कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर से करेंगे, यहाँ से हम फिल्टर पर आएंगे। फिल्टर पर आने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से ब्लर टूल पर स्टाइलिश पर आना है। स्टाइलिश पर आने के बाद यहाँ से आपको स्टाइलिश पर नहीं जाना है, यहाँ से लिक्विफाई पे क्लिक करना है। लिक्विफाई पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हमें और जूम कर लेना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं 100% जूम करके रखते हैं इसको। हम कुछ इस तरीके से यहाँ से जूम करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे यहाँ से ऊपर। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। आप जितना करेंगे ऊपर इसको उतना ही फायर होगा। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से पहले ऊपर कर लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर साइज को देख करके करिएगा, आपका जैसा साइज रहेगा वैसा ये फायर जाएगा। तो हम यहाँ से फायर को थोड़ा सा और निकालते हैं अच्छे तरीके से, इस तरीके से निकाल लेते हैं फायर को और ऊपर करते हैं यहाँ से ऐसे।
ऊपर करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरीके से बनाने के बाद हम सबसे पहले करेंगे, अब आएंगे यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे फायर बन के तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसमें कलरिंग भरना है। तो कलर भरने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे फिल्टर पर। फिल्टर पर आने के बाद यहाँ से ब्लर टूल लेना है। ब्लर टूल लेने के बाद यहाँ से आपको गॉसियन ब्लर पीस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे 3.3 रखना है और जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है क्रिएट न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर पे। इस पर हम क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर पर। यहाँ से आपको करना है हुई, तो हम यहाँ से हुई कर देंगे। जो बचपन में किया करते थे डिलवाने के लिए किसी को, तो यहाँ से हम हुई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलराइज पर क्लिक कर देंगे। कलराइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम करेंगे तो 40 करने के बाद यहाँ से आपको नीचे वाले रखना है हुई पर। यहाँ पे सिचुएशन पर रखना है यहाँ पे 100%। तो हम 100% कर देते हैं और देन यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आना है यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर, फिर से क्लिक करना है, फिर से आना है हुई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है -25 करना है। 25 करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ से हम थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ से 27 कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है, तो ये आपका आँख जो होता है ओपन हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे विंडो पर, सॉरी फिर आते हैं यहाँ पे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है एड लेयर स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक कर देना है। ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो हमारा यहाँ पे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। लेयर स्टाइल जब ओपन हो जाएगा तो क्या करना है, आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करके रखते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे इस तरीके से इसको रख देते हैं और देन यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको जस्ट ओके कर देंगे तो हमारा ये जो होता है फायर बन के तैयार हो गया। अब इसको हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो फायर है यहाँ पर इसको हमें कुछ सबको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हमें यहाँ से मर्ज करने के लिए इसको सब लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से कंट्रोल या कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं जो फायर इफेक्ट है ये बन करके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए टेक केयर, गुड बाय।